अस्सलाम वालेकुम एंड क्या हाल चाल है सभी का। तो जैसा कि टाइटल और थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो के अंदर हमारी फाइट होने वाली है हाउ मजिस्ट्री भाई के साथ में। उसके अलावा मजिस्ट्री भाई जो है हमें थोड़ा बहुत अप्रिशिएट भी करेंगे, उसके अलावा काफी मजेदार किस्म के क्लचेस भी देखने को मिलेंगे। यार इतना डैमेज है, आए नहीं है। एक बंदा उसका उधर था यार, पत्थर की तरफ। तुम लोग P90 पीछे से कवर दे रहा था, मैंने बड़ी अभी मेन के अंदर दो स्क्वाड के बीच में चल रही थी फाइट। एक ग्रेनेड को करके फेंकता हूँ, दो बंदे नोक हो जाते हैं और एक बंदा यहाँ पर फिनिश भी हो जाता है। ओहो भाई साहब, ये क्लच नहीं है, इसके बाद होगा क्लच। तो यहाँ पर इन बंदों को मारने के बाद जैसे ही मेन के अंदर आता हूँ, मेरे दोनों किल यहाँ पर चोरी हो जाते हैं। जिन बंदों ने मेरा किल चोरी किया, ये पूरा स्क्वाड होता है, तो साथ ही वो मेरे पर पुश करवा देते हैं। हिट पे लाना हूँ, तो इसी के साथ बाबा जी ये वाला 1v4 भी यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं हाउ मजिस्ट्री भाई वाली फाइट की तरफ। तो यहाँ पर मैं होता हूँ इवेंट के ऊपर। अभी तक मुझे नहीं था पता कि हाउ मजिस्ट्री भाई मेरी लॉबी के अंदर आए थे, मैं तो चुपचाप अपनी गेम खेल रहा था। इतनी देर में बाबा जी ये बंदा यहाँ पर मुझे फिनिश करवा देता है। अभी इनसे पहले तो मैंने लेना है अपना रिवेंज। अभी पहले तो ये बंदा मेरे पर पुश करता है 1v1 के अंदर, तो ये बंदा सोखा ही काबू आ जाता है। इसको यहाँ पर मैं नोक और फिनिश करता हूँ, लेकिन ये बंदा थोड़ा गुस्से वाला होता है, तो अपना पूरा स्क्वाड लेके ये दोबारा से मेरे ऊपर करवा देते हैं पुश। तो बाबा जी दूसरी बार भी ये लोग सोखे काबू आ जाते हैं। फ्री फायर के अंदर इन सभी को मैं नोक और लगे हाथ फिनिश भी करवा देता हूँ। अभी इनको फिनिश करवाने के बाद बाबा जी मैं निकलने लगता हूँ। मजिस्ट्री भाई अपनी बग्गी को 130 की स्पीड में भगाते हुए मेरी तरफ से गुजरते हैं। पहले तो आप लोग जरा M416 वर्सेस AWM देखो ना, उसके बाद भाई पे पुश भी करेंगे। अभी मजिस्ट्री भाई के यहाँ पर दो हेड लग चुके थे। मुझे पता था कि अगर मैं ओपन में भी जाऊँगा तो मजिस्ट्री भाई पहले हील करेंगे फिर मेरे ऊपर रश करेंगे। अभी आप लोग जरा 1v1 देखो मजिस्ट्री भाई के साथ। बहुत गुड गेम यारा। हाँ टीम मेट करा रहे हो। तो भाई से मैं पूछता हूँ कि आपके पास रिकॉल है, तो भाई कहते हैं है, तो मैं भाई को यहाँ पर फिनिश करवा देता हूँ ताकि इनके साथ दोबारा से हमारी फाइट हो। लेकिन वो तो बात आप लोगों ने सुनी होगी कि जब किस्मत हो यांडू तो क्या करेगा जोकू। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आप लोग खुद ही देख लो।
तो एट द एंड बाबा जी सीन ये होता है कि यहाँ पर मेरी गेम जो है अ लिटिल बिट लैग हो जाती है, जिसके बाद मेरा प्रोग्राम यहाँ पर बढ़ जाता है। अभी इन पठानों को यहाँ पर मैंने करना है सॉफ्टवेयर अपडेट, तो मैं जस्ट पचिंग के अंदर लैंड हुआ था, मुझे मिल जाती है यहाँ से एक क्या। इसी के साथ बाबा जी एक स्क्वाड मेरे ऊपर पुश करवा देती है, ये पठानों का स्क्वाड होता है, देखना ये मुझे गालियाँ क्यों देते हैं। अभी नहीं, मुझे पता था तेरी तू अपनी माँ पीछे से देगा, मुझे पता था तू अपनी माँ। खैर इसके आगे गालियाँ सुनवाने का फायदा नहीं है, क्योंकि यू नो 18 प्लस सीन हो जाएगा, काफी गंदी वाली गालियाँ थी। आप लोग भी सोच रहे होगे तू को कुछ नहीं किया, भाईजान आल पे माइक है मेरा, फिर सोचो मैंने इनको कितना प्यार मोहब्बत से बताया होगा कि गालियाँ नहीं देते होते, बड़ी बुरी बात है, ये गेम खेलनी आती नहीं है, बस गालियाँ दे लो इन बंदों से। चूती ओहो छोड़ो जान दो। अभी ये वाला 1v4 देखने के बाद आप लोग बोलोगे कि व्हाट इज दिस यार, ये बंदे आखिर चाहते क्या थे, ये सिर्फ मरने ही आए थे। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक आप लोगों ने लाजमी से कर देना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना यार, 8K के काफ़ी क्लोज हैं, तो 8K कंप्लीट करवाओ।